सैमसंग गैलेक्सी M15 जो कि 8 मार्च 2024 को लॉन्च होने वाला है और इस फोन में हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, साथ ही ये फोन हमें इंडिया में कितने प्राइस पर मिलने वाला है, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। तो इस फोन का बैक एंड इस फोन का फ्रेम प्लास्टिक का रहेगा, साथ में इस फोन में हमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। अगर हम इस फोन के बैक के बारे में बात करें तो इस फोन के बैक में हमें सैमसंग के ए सीरीज या फिर एस सीरीज के ही तरह कैमरा मॉड्यूल भी देखने को मिल जाता है और इस फोन के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, साथ में बैक में ही सैमसंग का ब्रांडिंग भी किया गया है। तो बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से सही रहने वाला है। और बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इस फोन में हमें मिलने वाला है 6.5 इंच फुल एचडी प्लस फ्लैट सुपर एमोलेड डिस्प्ले और ये डिस्प्ले 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर रहने वाला है। तो डिस्प्ले आपको इस प्राइस पॉइंट पर सबसे मेन है कि आपको इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और ये डिस्प्ले 10 बिट डिस्प्ले दिया गया है जिसका पिक्सल डेंसिटी रहेगा 399 ppi और इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस है 800 nits, तो इंडोर एंड आउटडोर विजिबिलिटी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। साथ में इस डिस्प्ले में हमें वाइड वन एलोन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और HDR का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, तो कंटेंट वाचिंग के लिए डिस्प्ले थोड़ा बढ़िया रहेगा। बस इस फोन में हमें एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इस फोन के डिस्प्ले में, जो कि रहेगा इसका वाटर ड्रॉप नोच। इस फोन में अगर पंच होल कैमरा कटआउट दिया रहता तो ये डिस्प्ले और भी ज्यादा बढ़िया रहता। और अगर हम बात करें इस फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो इस फोन में आउट ऑफ द बॉक्स मिलने वाला है एंड्रॉइड 14 जो कि बेस्ट रहेगा सैमसंग के लेटेस्ट वन यूआई 6.1 के ऊपर, जिसमें हमें ब्लोटवेयर एंड थर्ड पार्टी ऐप थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं बट आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही में इस फोन में मिलने वाला है 4 इयर्स का एंड्रॉइड ओएस अपडेट और 5 इयर्स का सिक्योरिटी पेच अपडेट जो कि प्राइस सेगमेंट के हिसाब से भी सबसे ज्यादा अपडेट देने वाला फोन है। और अब बात करते हैं इस फोन के कैमरा के बारे में, तो इस फोन के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है जिसमें प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है 50 मेगापिक्सल का और एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर, तो प्राइस के हिसाब से कैमरा बढ़िया रहेगा। लेकिन हमें प्राइमरी कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, साथ में सेल्फी के लिए फ्रंट में दिया गया है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमरे से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p 30fps तक, तो कैमरा प्राइस के हिसाब से बढ़िया है, बस 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है और OIS का सपोर्ट इस फोन में नहीं मिलने वाला है। और अगर बात करें इस फोन के मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस एंड साउंड के बारे में, तो इस फोन में हमें सिंगल फायरिंग बॉटम स्पीकर ही देखने को मिलेगा, तो साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा लाउड तो नहीं रहेगा बट क्वालिटी ठीक ठाक मिलने वाला है। और अगर हम बात करें इसके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के बारे में, तो इस फोन में हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है वो भी 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, वो भी 800 निट्स का पीक ब्राइटनेस है और साथ में वाइड वन एलवन का सपोर्ट मिलता है, तो इस डिस्प्ले में कंटेंट वाचिंग बढ़िया रहेगा, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इस फोन का बढ़िया रहेगा। बस इस फोन में हमें एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो है इस डिस्प्ले में पंच होल कैमरा कटआउट का न होना। और अगर बात करें इस फोन के स्टोरेज एंड कलर वेरियंट के बारे में, तो इस फोन में हमें 2 स्टोरेज देखने को मिलने वाला है, 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज एंड 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, और दोनों ही स्टोरेज टाइप में हमें LPDDR4X रैम मिलेगा और UFS 2.2 रोम टाइप मिलने वाला है। साथ में अगर हम बात करें इस फोन के कलर ऑप्शंस के बारे में, तो इस फोन में हमें 3 कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें इस फोन के बैटरी के बारे में, तो इस फोन में दिया गया है 6000mAh का बैटरी विद 25W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट, बट चार्जर सैमसंग का फोन है तो बॉक्स के अंदर से देखने को नहीं मिलेगा। और इस फोन में दिया गया है हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट, यानी कि आप एक साथ इस फोन में 2 नैनो सिम कार्ड यूज कर सकते हैं या फिर एक सिम कार्ड हटा के 1 माइक्रो एसडी कार्ड यूज कर सकते हैं। साथ में अगर बात करें इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इस फोन में दिया गया है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस चिपसेट और ये प्रोसेसर बेस्ड है 6N टेक्नोलॉजी पर, जिसमें हमें हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता है। इस फोन का थर्मल मैनेजमेंट बढ़िया रहेगा लेकिन इस फोन का बैटरी बैकअप थोड़ा कम देखने को मिलेगा बिकॉज ये प्रोसेसर 6N टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इस प्रोसेसर का अंतुतु स्कोर है 370,000 से 75,000 के आसपास, तो प्राइस के हिसाब से प्रोसेसर डिसेंट है, थोड़ा सा बढ़िया प्रोसेसर दिया जा सकता था और आप इस प्रोसेसर से अपने डेली यूजेस एंड लाइट गेमिंग इजीली कर सकते हैं, प्रोसेसर में कोई कमी ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है। साथ में अगर हम बात करें इस फोन के अदर फीचर्स एंड सेंसर्स के बारे में, तो इस फोन में हमें 3.5mm का जैक देखने को मिल जाता है, वाईफाई 5 दिया जाएगा, ब्लूटूथ 5.3 का भी सपोर्ट रहेगा, NFC नहीं दिया जाएगा, FM रेडियो मिलने वाला है, साथ में 13 5G के बैंड्स मिलेंगे, तो इस फोन में हमें फीचर्स के वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। साथ में अगर हम बात करें इस फोन के सेंसर्स के बारे में, तो इस फोन में प्रॉक्सिमिटी सेंसर, गायरोस्कोप, सारे सेंसर दे दिए गए हैं, सेंसर वगैरह इसमें कोई कमी नहीं होने वाला है। साथ में इस फोन के सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में बात करें, तो इस फोन में दिया गया है साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, पिन पैटर्न, सभी चीज दे दिए गए हैं, तो सिक्योरिटी फीचर्स भी कोई कमी नहीं मिलता है। तो इस फोन के ओवरऑल सारे स्पेसिफिकेशन सैमसंग गैलेक्सी F15 के ही तरह हैं। और अगर आपने सैमसंग गैलेक्सी F15 के स्पेसिफिकेशंस वाला वीडियो नहीं देखा है, तो आई बटन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं इस फोन के प्राइस के बारे में, तो इस फोन का प्राइस अंडर 15,000 ही रहने
आने वाला है और लॉन्च ऑफर्स वगैरह लगा के आपको ये फोन 12,000 या फिर 13,000 में देखने को मिल जाएगा। तो ये थे इस फोन के सारे स्पेसिफिकेशन तो डिटेल्स, और आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि क्या आप 15,000 के प्राइस सेगमेंट में सैमसंग गैलेक्सी M15 बाय करना पसंद करेंगे या फिर सैमसंग गैलेक्सी F15, कमेंट्स में जरूर बता के जाइएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।